तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं और उसके बाद आपकी 100% बैटरी जो है वो एक दिन भी नहीं चलती है, मुश्किल से आधा दिन चलती है, उसके बाद आपको फिर से अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। और कई लोगों तो आपके फ़ोन में कई लोगों को तो जो है दिन में कई बार चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको आपके फ़ोन की चार ऐसी अल्टीमेट सेटिंग्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में ऑन कर लेते हैं तो फिर आपकी 100% बैटरी दोस्तों तो डबल हो जाएगी। और जो बैटरी आपकी एक दिन चलती थी, वो बैटरी आपकी 2.5 से 3 दिन तक चलने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन चारों सेटिंग्स को अपने फ़ोन में करना, क्योंकि दोस्तों जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो हर एक फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग आपको मिलेंगी। दूसरा, ये सेटिंग इसीलिए दी हुई होती है जिससे आप अपने फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है, बैटरी ड्रेन ज़्यादा कर रहा है तो उसे आप कम कर सकें और अपने बैटरी बैकअप को इनक्रीज़ कर सकें। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। और दोस्तों, चौथे नंबर की सेटिंग तो आपको ज़रूर देख के जाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में नाइस ट्रिक, ऑसम, वेरी गुड, वेरी नाइस लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना और उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप भी अपने 100% बैटरी को 3 दिन तक चलाना चाहते हैं, उसके बाद आपको फ़ोन को चार्ज नहीं करना पड़ेगा, तो अब आपको अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ 4 सेटिंग करनी है और इन चारों सेटिंग को करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं कि आपको कौन सी 4 सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। अब दोस्तों, आप जब सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे नीचे जाना, और नीचे आपको सिस्टम की सेटिंग मिलेगी या फिर आपके फ़ोन में एडिशनल सेटिंग के नाम से सेटिंग होगी, एडवांस्ड सेटिंग के नाम से होगी, तो नेम अलग अलग हो सकता है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, यहां पर आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको एक सेटिंग मिलेगी रीसेट फोन के नाम से, तो यहां पर आपको आना है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे फोन रीसेट करने को बोलूंगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको कोई भी अपना फोन वगैरह कुछ भी रीसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फोन रीसेट करेंगे तो इससे आपका फोटो वगैरह डिलीट हो जाएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 2nd नंबर पर, रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस। अब इससे दोस्तों क्या होता है कि जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं फ़ोन में, उन सभी की जो प्रेफरेंसेस होते हैं, उनमें कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जाती हैं या कुछ ऐसा डाटा आ जाता है जो आपकी बैटरी को बहुत जल्दी से इंक्रीज़ करता है। तो इसे अगर आप रीसेट कर देंगे तो जैसे आपका नया फ़ोन होता था, तो सभी एप्लीकेशन स्मूथली वर्क करते थे, वैसे ही नए जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रीसेट ऐप पर क्लिक करना है और इसे रीसेट ऐप कर देना है। अब दोस्तों, आपकी ऐप प्रेफरेंसेस रीसेट हो गई, तो इससे दोस्तों आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पहली सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद अब दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के अंदर 2nd सेटिंग करनी है। तो 2nd सेटिंग करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना हो, नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट के नाम से, या ऐप मैनेजर के नाम से आपके फ़ोन में सेटिंग होगी, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो ऊपर आपको ऐप लिस्ट के नाम से सेटिंग मिलेगी, तो इस पर आपको आना है। अब यहाँ पर दोस्तों, आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशंस होंगे, वो सभी एप्लीकेशन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। आपको थोड़ी देर 10-5 मिनट लगेंगे, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको अपनी बैटरी के बैकअप को डबल करना है। हर एक एप्लीकेशन पर टैप करना है, यहाँ पर आएंगे तो आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको एक में करके बता देता हूँ, इस पर आपको टैप करना है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये अनरिस्ट्रिक्टेड पर सेट होगा, तो इसे आपको रिस्ट्रिक्टेड पर सेट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बैकग्राउंड में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये दोस्तों आपको अपने सभी एप्लीकेशन में करना है, आपके हर एक एप्लीकेशन में आपको रिस्ट्रिक्टेड पर कर देना है। तो ये 2 सेटिंग करनी है आपको। उसके बाद दोस्तों, अब आपको अपने फ़ोन के अंदर 3 और 4 नंबर की सेटिंग करनी है, और इसे करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बैटरी का बैकअप कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 3री सेटिंग करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के नाम से, तो इस सेटिंग को दोस्तों आपको ओपन करना है। अब दोस्तों, आप जैसे ही इस सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है,
और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी अल्ट्रा टच के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको दो सेटिंग मिलेगी, स्वाइप स्पीड, मोशन स्पीड। अब दोस्तों इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं अल्ट्रा फास्ट पर सेट है। अब इससे दोस्तों ये स्वाइप स्पीड जो होती है वो एकदम अल्ट्रा फास्ट है, इससे आप जब भी अपने फ़ोन को स्वाइप करते हैं तो काफ़ी फास्ट स्वाइप होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी भी उतनी जल्दी इंक्रीज कर होती है तो ख़त्म होती है, तो इसे आपको नॉर्मल पर सेट कर देना है। और इस मोशन स्पीड को, ये भी फास्ट है तो इसे भी आपको नॉर्मल पर सेट कर देना है। तो ये तीसरी सेटिंग करनी है। अब इसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन में चौथी और लास्ट सेटिंग करनी है। तो यहीं पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी स्क्रीन रिफ्रेश रेट के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, 120Hz, 90Hz, 60Hz, और साथ ही चौथा ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट। तो ये हर एक फ़ोन में 120Hz पर सेट होता है, तो इसे आपको क्या करना है कि ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट पर कर देना है। तो ये आपकी स्क्रीन के मुताबिक जो है ऑटोमेटिकली जो है स्विच हो जाएगा जितनी ज़रूरत होगी, तो इससे आपकी बैटरी काफ़ी बचेगी। क्योंकि अगर आप 120 पर करके रखते हैं तो ये दोस्तों आपकी बैटरी को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। लेकिन अब दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट नहीं है तो इसे आपको 60Hz पर कर देना है। तो बस दोस्तों इन चार सेटिंग को आपको करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की बैटरी का बैकअप एकदम से डबल हो जाएगा, और जो बैटरी आपकी दिन भर नहीं चलती थी वही बैटरी दोस्तों आपकी अब 2.5 से 3 दिन तक चलने लगेगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।